मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाने के लिए मिंटो हॉल में राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट्स हेल्थ को लेकर मंथन करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आइए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता राकेश शर्मा से। प्रदेश के 64वें स्थापना दिवस पर भोपाल के मिंटो हॉल में एक राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि भोपाल के इस मिंटो हॉल में ये राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव का जो उद्घाटन है ये मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं सत्र की। इसके अलावा इस कॉन्क्लेव में विभिन्न सत्रों में स्वास्थ्य से जुड़े लगभग सभी मुद्दों पर विशेषज्ञ विचार मंथन करेंगे। इसके शुभारंभ के बाद लगभग दोपहर 12 बजे से प्रथम सत्र में अध्यात्म एवं स्वास्थ्य विषय पर श्रीमती जया राव अपना विचार रखेंगे। इस सत्र में भौतिक स्वास्थ्य की सीमाओं पर परे एक स्वास्थ्य की अवधारणा पर चर्चा होगी, जिसमें व्यक्ति के स्वयं के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए उसके अधिकार और दायित्वों पर विचार विमर्श होगा। दिन भर ये लगभग स्वास्थ्य के अधिकार के लिए विधायी एवं नीति तंत्र विषय पर अपने विशेषज्ञ अपने विचार रखेंगे। तमाम ये दिन भर जो ये कॉन्क्लेव चलेगा, इसमें जो विधि विशेषज्ञ आए हैं वो अपने विचार रखेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस राइट टू हेल्थ कॉन्क्लेव में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ के प्रतिनिधि सहभागिता कर रहे हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य का अधिकार कानून बनाकर नागरिकों के अधिकार की एक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए पूरा करने के लिए कॉन्क्लेव में व्यापक रूप से विचार विमर्श कर उपयुक्त ड्राफ्ट करने का विचार विमर्श किया जाएगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस समय जो कॉन्क्लेव चल रहा है उसमें स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट जो है वो अपने उद्बोधन रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्क्लेव हो रहा है, इस कॉन्क्लेव के माध्यम से कमलनाथ सरकार का जो उद्देश्य है कि प्रदेश के हर नागरिक को स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। भोपाल से कैमरामैन सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा, MP News TV भोपाल।